गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट हिंदी एंड पोएम नंबर 17। जीवन के अंदर अगर हमें माता पिता के पास अच्छे संस्कार मिलते हैं तो इस संस्कार का सही इस्तेमाल कैसे करना होता है वो मैं दीदी से मिलता है। ये जो संस्कार, ये गुण और हमारे अंदर जो डिसिप्लिन डालती है वो दीदी है। उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास गुण भी है और हमारे तक पहुंचाने की सच्ची श्रद्धा एंड भरोसा है। इसलिए इसको नींव की ईंट कहा है। जैसे कोई बिल्डिंग जो है वो तब मजबूत मानी जाती है जब उसका बेस है, नींव है, वो बहुत ही मजबूत हो। एंड हमें किताबों से, गुरु के पास से अच्छा अच्छा ज्ञान तो मिल जाता है, पर वो ज्ञान का सही अगर प्रैक्टिकल कोई नमूना अगर हमारे सामने होता है तो दीदी होती है। एंड वो हमारे पास निस्वार्थ भावना से अपना सारा कार्य करवाती है। देखते हैं आज की पोयम के बारे में, पर उससे पहले हम जानकारी लेंगे कवि महोदय के बारे में। कवि का नाम है उदय प्रकाश जी। 8वें दशक के अंदर, मतलब 80s का जो दौर चल रहा था उस टाइम पे ये सबसे बेहतरीन कवि में से एक, यानी उदय प्रकाश जी, MP यानी मध्य प्रदेश शहडोल, अब उसका नाम अनूपपुर हो गया है, वहां पर सीतापुर गांव में जन्म हुआ। एंड स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक विज्ञान के छात्र रहे, परंतु सागर विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी साहित्य में उसने MA किया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्व यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यापन का काम किया, JNU में। ओके, कुछ वर्ष के बाद दिनमान और पूर्वग्रह नाम की पत्रिका में संपादक एडिटर का भी काम किया। एंड हिंदी कविता में सबसे बड़ी युवा प्रतिभा के हिसाब से अगर कोई कवि है तो उसका नाम है उदय प्रकाश जी। अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, ये उसकी बहुत ही बेहतरीन किताबों में से एक है। इसके अलावा उसकी जो पटकथाएं लिखी, सीरियल एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी निर्माण किया। भारत सरकार ने भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, गजानन मुक्ति बोध सम्मान इस तरह से नवाजा गया। एंड आज हमें भी ये एक कविता का लुत्फ उठाने का मौका मिला है कि जीवन के निर्माण के अंदर बच्चों के साथ बचपन की जो दीदी है, जो हमारे अंदर सच्चे संस्कार ज्ञान डालती है, उसके बारे में आज की कविता हमें यहाँ पर क्या देती है, देखते हैं कविता में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे एक पक्षी के बारे में, जो इसके अंदर बार बार इसका वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ये पक्षी का नाम है हारिल। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो दिखता है थोड़ा बहुत कबूतर जैसा, पर थोड़ा उसका जो ग्रीनिश येलोइश टाइप का उसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत कबूतर जैसा लिखता है। एंड कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये कभी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, ज्यादातर वो पहाड़ों में, जंगलों में, पेड़ों के अंदर अपना बसेरा करते हैं, नीचे नहीं आते हैं। तो ये हारिल पक्षी, उसका एग्जाम्पल के द्वारा हमें यहां पर इस कविता को समझना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कविता। पीपल होती तुम, पीपल होती तुम दीदी पिछवाड़े का तो, तुम्हारी खूब घनी हरी टहनिया में, तुम्हारी खूब हरी घनी टहनिया में हारिल हम बसेरा लेते। यहां पर दीदी की कंपैरिजन की गई है पीपल के पेड़ के साथ। एंड ऐसा कहा जाता है कि हारिल जो पक्षी है उसका बसेरा ज्यादातर पीपल के पेड़ के ऊपर होता है, जंगल के या जंगल के किनारे के पेड़ के ऊपर होता है। तो यहां पर कहते हैं कि हे दीदी, हम हारिल जैसे हैं जो कभी मनुष्य के साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, शांत जगह पर रहते हैं, और हम हमेशा तुम्हारे पास तब आते जब तुम अगर पीपल का पेड़ जैसे होते तो हम हारिल कभी कभी तुम्हारे पास आ जाते, तुम्हारे ऊपर बसेरा करते, हारिल होते हैं हमारी तरह ही। यहाँ पर कवि अपने आप को हारिल के साथ कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि हारिल हमारे जैसे ही होते हैं, घोंसले नहीं बनाते कहीं कहीं पर, वो हमारे बसेरा के अंदर, हमारी बस्ती, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारे मोहल्ले में कहीं पर अपना घोंसला नहीं बनाते, वो जंगल में, जंगल की झाड़ियों में, वहां के पेड़ों में ज्यादातर अपना घोंसला बनाते हैं। कभी दूर पहाड़ों से आते हैं,
और फिर कहीं दूर जंगलों में ये हारिल पक्षी उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही होती है, जिस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे हम बैठते हैं और हमें मस्त अच्छी सी ठंडक की छांव मिलती है, उस तरह से यहाँ पर हारिल पक्षी को भी शायद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जिस तरह से शांति मिलती है, इस तरह से कवि कहते हैं कि हमें भी हे दीदी तुम्हारे संस्कार तुम्हारे गुण और तुम्हारे पास रहकर हमें ऐसी ही शांति की तृप्ति होती है, ऐसी ही तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी तरह ही ठंडी होती होगी दोपहर में। ढिबरी थी दीदी तुम, ढिबरी मतलब एक छोटा सा दिया, जैसे यहाँ पर जल रहा है ऐसा, जैसे छोटा सा दिया मिट्टी में से बना होता है, उसके अंदर ऑयल होता है और ये जो है वो है उसकी बाती। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन के अंदर, जहां पर हमें ज्ञान संस्कार एंड कुसंस्कार क्या होता है उसका कोई नॉलेज नहीं था, पर हमारे अंदर ये बचपन के अंदर ये सारी चीजें तुमने एक प्रकाशित दिया की तरह सारी अच्छाया हमारे अंदर डाली। जैसे अचार होता है और अचार के ऊपर का जो ये तेल होता है ऑयल होता है उसको कहते हैं तलछट, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती, ये जो बाती है कपास की बाती में सूख कर जलती रहती है, बस उसी तरह से तुम हमारे जीवन के अंदर अच्छे ज्ञान और प्रकाश देती रही। हमें पहले पहले अक्षर लिखना सिखाया, अच्छे कविताएं गीत गाना सिखाया, आप अपना प्रकाश हमारे अंदर फैलाती रही, ज्ञान का प्रकाश हो या संस्कार का प्रकाश हो। आगे लिखते हैं कि हमने सीखे थे पहले पहले अक्षर और अनुभवों से भरे हुए किस्से, कि जीवन के अंदर हमें किस्से तो बांटने हैं पर किस तरह से कहना चाहिए कब कहना चाहिए ये, हे दीदी हमने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारे साथ साथ सब कुछ सीखा, ये दुनियादारी हमने तुम्हारे पास से सीखी। आगे लिखते हैं जलती रही तुम दीदी तुम्हारा धुआं सोखती रही ये घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए, ऊपर के साइड में जो खपरेल होता है उसको छप्पर कहते हैं, वो तुम्हारे तुमने अपने सेक्रीफाइस से सारा इस घर के हर चीज को सजाया संवारा, कभी खाना कम पड़ जाता जिस तरह से माता पिता भूखे रहते थे बस इसी तरह से तुम भी भूखी रहती थी, ये घर की जो दीवारें हैं वो तुम्हारे ये सारी चीजों की गवाह है, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे, नदी होती तो हम मछली होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छिपते, कभी कभी बूंदे लेते हुए सीपी बनकर तुम्हारे किनारे पे आते और चमक जाते। दूसरा कंपेरिजन किया गया है, घर जिस तरह से हमें प्रोटेक्शन देता है उसी तरह से दीदी तुमने हमें प्रोटेक्शन दिया, ज्ञान का संस्कार का, अच्छे लोगों के साथ रखना सिखाया एंड बुरे लोगों से दूर रखा। अगर तुम दीदी नदी होती तो हम तुम्हारे अंदर कभी मछली बनकर आ जाते, या फिर तुम्हारे किनारे पे जो शैल होते हैं उसको कहते हैं सीपी, वो सीपी के अंदर हम शायद कभी चमक जाते। चट्टान थी दीदी तुम, कभी किसी चीज से ना हारी ना कभी डरी, सालों पुरानी चट्टान तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में, जहां कोई सोता नहीं निर्जता, हम ही पैदा करते हलचल हम ही उड़ाते हैं पतंग, यानी हम ही शैतानियां करते थे और हम ही परेशान होते थे, पर तुम एकदम शांत भाव से हर चीज को बहुत ही बखूबी निभा लेती थी। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र से ठोस सन्नाटे में हम भी छोटे छोटे पक्षी की तरह तुम्हारे आसपास तुम्हारे भीतर कभी कभी इधर से उधर उड़ते रहते हैं, वहां झूले पड़े हैं हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह यानी कि जो पका हुआ आम होता है उसको मालदह कहा जाता है, ये मालदह पकता था हमारी खातर, हमारी गेंदे वहां पर गुम हो जाती थी पर हर चीज का तुम ख्याल रखती, चाहे गुड्डा हो चाहे झूला हो चाहे मालदह हो चाहे गेंद हो, हर चीज का ध्यान रखने वाली दीदी तुम थी। दीदी अब तुम दूसरे घर की नींव हो चुकी हो, अब हमारे घर में नहीं हो दीदी, अब तुम दूसरे घर की नींव हो चुकी हो, नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी अब नई दुनिया में मैं भी होंगी, कभी हमारी खोई हुई गेंदे होंगी हमारी पतंगे और होंगे हमारे खिलौने, पर अब शायद हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि तुम्हारा अब अलग संसार है, तुम्हारा अब अलग घर है, अब तो ढिबरी हुई तुम दीदी नए आंगन की, और बचपन चिन्हता होगा पहले पहले नए अक्षर तुम्हारे बच्चे होंगे एंड उन सबको अब तू नए अक्षर
नया मालदा, नया सारा खिलौना देती होगी, सुनाती होगी तुम उसको भी नए नए किस्से, और दुनिया को समझाती होगी कि कैसे इस दुनिया को जानना चाहिए, समझाना चाहिए, जैसे बचपन में दीदी तुमने हमें सिखाया। हमारा क्या है हे दीदियारी, हारिल है हम तो, जंगल के अंदर उड़ने वाले रहने वाले पंछी, आएंगे बस 2 बरस में, कभी कभी 2-4 दिन मेहमान सा रहकर ठहर कर फिर उड़ जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाते हारिल हम, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। इस तरह से तुम्हारा जीवन कठिन है, उसी तरह से हरिल की तरह हम, यानी कवि कहते हैं कि हमारा जीवन भी कठिन है। चलो अब देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर। दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है बताइए। कवि ने दीदी के लिए पीपल का पेड़, फिर डिबरी, नदी, चट्टान तथा घर की नींव की ईंट, ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए। वापस से काउंट करेंगे, नंबर 1 इज अ पीपल, नंबर 2 ढिबरी, नदी, चट्टान और घर की नींव, ये 5 एग्जाम्पल दिए है। यदि दीदी पीपल होती तो भाई उसकी घनी हरी टहनियों से हारिल के रूप में वहां पर आके बसेरा करते और दीदी का प्यार और संस्कार को लेते रहते। दीदी ढिबरी थी जिसमें उजाले से पूरे घर के अंदर एक नई रोशनी आ जाती और पहले पहले अक्षर लिखना भी सीखा। यदि दीदी नदी होती तो हम नदी के किनारे सीपी बनकर आते और मोती बनकर तुम्हारे पास रहते, और जैसे मोतियों में रोशनी होती ऐसे हमारे अंदर तुम्हारे संस्कार की रोशनी रहती। दीदी चट्टान सी दृढ़ और निश्चय वाली थी कि जो चाहे वो कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ये हमारे अंदर दृढ़ विश्वास दिलाने वाली दीदी तुम चट्टान जैसी थी जो हमने तुम्हारे पास से सीखा और हमने अपना जीवन सवारा। दीदी अब तुम दूसरे घर की नींव की ईंट हो गई हो और वह अपनी एक नई दुनिया बसाएगी। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा दीदी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है कविता, इस पोयम जो है उसका सेंटर मोरल क्या है, केंद्रीय भाव क्या है वो समझाए। तो प्रस्तुत कविता में दीदी ने अद्भुत प्रदेय का वर्णन किया है। दीदी ने बच्चे के जीवन से संस्कारिता किया है और उसे ज्ञान प्रदान किया है। दीदी का व्यक्तित्व तो बहुत ही आदर्श होता है जिसमें उसे पीपल की छांव, डिबरी के प्रकाश, चट्टान जैसा विश्वास और नींव की ईंट की तरह उसमें अलग अलग झलक दिखाई देती है। तो अगर आप देखने जाए तो इसके अंदर अगर मेन कोई वर्ड है तो ये 5 वर्ड है, पीपल, डिबरी, नदी, चट्टान और घर की ईव। तो इसके अंदर बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको इसको लर्न कर लेना है। तो आप अपने ऑन वर्ड में भी आप इस आंसर को, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे 2 लाइन आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। डिबरी की तरह दीदी का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य है। डिबरी का काम होता है बाती के माध्यम से तेल सोख कर चलना एंड जो भी उसके आसपास का अंधकार है उसको दूर करके वहां पर प्रकाश फैलाना। दीदी की तरह ढिबरी भी यही कार्य करती है। जैसे दीदी हमें ज्ञान देती है उसी तरह से ढिबरी अंधकार दूर कर प्रकाश देती है, और हमारी दीदी अज्ञानता दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है। वह बच्चों को अक्षर और अनुभव का परिपूर्ण किस्से सुनाती है, कहानी सुनाती है, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, भरोसा आए। कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देती है। तो दीदी अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, है ना। तो दीदी अनुशासन की कड़ी पालन करने वाली थी कि डिसिप्लिन के साथ सही समय पर उठ जाना, खाना पीना, सोना और पढ़ना। इसके हृदय में नरमी नहीं थी। दीदी का विश्वास चट्टान की तरह था कि अगर तुम जो चाहो, जो ठानो, वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे में ये काबिलियत है तो उस दिशा में आगे बढ़ो। तो दीदी एक चट्टान की तरह थी और हमें भी चट्टान की मजबूती सिखाती थी, इसलिए यहाँ पर दीदी को चट्टान की उपमा यानी कंपेरिजम की गई है। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात यहाँ पर बताई गई है। तो बहुत ही खूबसूरत सी बात यहाँ पर दीदी के माध्यम से की गई है। आगे क्वेश्चन है, कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है। क्योंकि दीदी नई दुनिया में बसी है और हमारे घर में भी नई दुनिया बसाई थी। अब दीदी अपनी नई दुनिया में एक नए सिरे से शुरुआत करेगी, अपने परिवार को नए संस्कार गुण देगी, इसलिए कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है कि जहां पर भी जाएगी वहां पर एक नया बसेरा, नया घर, नए संस्कार देने वाली दीदी है। जीवन की सार्थकता कवि को कहां लगती है।
कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के रूप में लगती है कि जीवन बिताने में लगती है, इसलिए कि वो अपने एक स्थान पर घर नहीं बनाकर वो घूमता रहता है। इस तरह से कवि ये समझता है कि मैं हारिल हूं, जैसे वो घूमता रहता है इस तरह से हम भी घूमते रहते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते हैं। शॉर्ट आंसर है, हारिल कैसा पक्षी है? तो हारिल पक्षी ऐसा है जो घोंसला नहीं बनाता है, वो कहीं एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहता है, वो दूर पहाड़ों से आता है और जंगल में उड़ के चला जाता है। बहुत इजी आंसर है। दोपहर में ठंडी छांव का अनुभव कवि कहाँ करता है? तो दोपहर की ठंडी छांव का अनुभव कवि को पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है, यानी कह सकते हैं कि दीदी के पास बैठकर उसके साथ बात कर उसका स्नेह प्राप्त कर। दीदी के किस्से में कवि क्या प्राप्त करते हैं? तो दीदी के किस्से में कवि अक्षर प्राप्त करते हैं, कि बहुत सारे अलग अलग अनुभव देती है और उस अनुभव के द्वारा बहुत सारे नए नए अक्षर प्राप्त होते हैं। सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते हैं? तो सीपी बनकर कवि अपने अंदर बूंदे लाना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शैल होता है उस शैल के अंदर एक सही बूंद चली जाती है, वो बूंद जो है वो मोती का रूप धारण करती है। तो अगर दीदी के पास से अच्छे संस्कार अगर मुझे मिल जाते हैं तो अच्छे संस्कार को मैं अपने अंदर डेवलप करके उसको एक सही तरह से इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि मैं भी बूंदे बनकर मोती बनकर नदी के किनारे चमकू और दीदी के ऐसे संस्कार देश दुनिया तक पहुंचाओ। नाउ एमसीक्यू है, हारिल बनकर कवि क्या बसेरा करना चाहता है? कहाँ बसेरा करना चाहता है? सिंपल आंसर है, दैट इज पीपल के वृक्ष पर। कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है? तो उसका आंसर है दीदी। दीदी नदी है तो कवि क्या बनना चाहता है? सिंपल, मछली बनना चाहता है। दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? तो उसके लिए गुड्डे रखती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। दीदी, इसका आशय स्पष्ट करना होता है, ज्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, इसके अंदर मैक्सिमम 5 या 7 लाइन में लिखो, आप अपने भाषा में लिखने चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या कहना चाहते हो इसका आंसर? कि अपने दूसरे घर की दुनिया बसाने वाले दीदी को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बच्चे कहते हैं कि कहीं एक जगह दी, वहां पर रहकर हमेशा हम आपके पास आएंगे। अपना जीवन दीदी की तरह ही बहुत ही कष्टमय है और उसे अपना जीवन भी मंजूर है, परंतु दीदी के पास जो संस्कार मिले हैं उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। नाउ व्याकरण विभाग में क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, यानी कि मीनिंग। डिबरी मतलब होता है दीपक, छोटा सा दिया। किनारा मतलब तट, घोंसला मतलब भीड़। सन्नाटा शांति, पक्षी मतलब पंछी। नींव मतलब आधारशिला। मेहमान अतिथि, अनुभव मतलब अभ्यास। ऑपोजिट है कठिन आसान, सन्नाटा शोर, रोशनी अंधेरा, छाह धूप, ठोस नरम, विश्वास अविश्वास, जीवन मृत्यु और शीतल का ऑपोजिट उष्ण यानी कि गर्म। उसके बाद है तद्भव और तत्सम। ठीक है, जो संस्कृत में से लिए गए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं एंड तद्भव 50-50 होते हैं। ठीक है, जैसे काम जो है उसका होता है कार्य, हाथ तद्भव शब्द है तो हस्त इज अ तत्सम शब्द, धीरज धैर्य, आग अग्नि, स्तंभ स्थानु, दूध दुग्ध, काड़ा कृष्ण, मोती मुक्तिक। और विशेषण बताओ, घनी हरी टहनियों में हम बसेरा लेंगे, तो कैसी है टहनिया? ऐसा क्वेश्चन करने से विशेषण मिलता है, कैसी है टहनिया? तो के घनी और हरी, तो आंसर आया घनी हरी इज अ विशेषण। पीपल की छोह दोपहर में ठंडी होती है, तो दोपहर कैसी होती है? तो के ठंडी होती है, आंसर मिल गया ठंडी। घर की गूंगी दीवारें धुआं सोखती है, तो दीवारें कैसी है? तो के गूंगी है, विशेषण। तुम नए आंगन की ढिबरी हो, तो कैसा आंगन है? तो नया आंगन है। बहुत इजी है विशेषण फाइंड आउट करना। ठीक है ना, उसके बाद है प्रत्यय लगाना। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, प से प्रत्यय, प से पीछे, इतना याद रखना। जैसे समकाल में इन लगाया तो समकालीन, प्रतिबद्ध के पीछे ता लगाया तो प्रतिबद्धता, पत्र यानी लेटर में पीछे इका लगाया तो पत्रिका, दरिया में पीछे आई लगाया तो दरियाई, व्यक्ति के पीछे त्व लगाया तो व्यक्तित्व, तरल प्लस तरलता, सार्थक सार्थकता, सार्थक सार्थकता, रोशनी रोशन रोशनी, और प्रति प्लस इत प्रतीत। तो आपको है ना
ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। काफी सारे टाइम ये लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर योग्य प्रत्यय लगाओ, तो आपको इसमें से कोई भी प्रत्यय लगा के तो उसका एक अच्छा सा आंसर बताना पड़ेगा। कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें से प्रत्यय अलग करके बताओ, तो उसमें एक मूल शब्द होता है समकाल, उसको निकालो प्लस इन लगा दो, तो आप प्रत्यय इजिली लगा सकते हो, ठीक है। और उपसर्ग है वो उसमें आता है अ से, आगे अ से ऊ जैसा थोड़ा बनता है तो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। जैसे ज्ञान के आगे वी लगाए तो विज्ञान, बद्ध के आगे प्रति लगाए तो प्रतिबद्ध, शासन के आगे अनु लगाया तो अनुशासन, देश के आगे वी लगाया विदेश, भव के आगे अनु लगाया अनुभव, और करण के आगे अनु लगाया अनुकरण। बहुत इजी है, प्रत्यय एंड उपसर्ग एकदम फ्री में मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नाउ शब्द समूह है, घर के पीछे की खुली जगह को कहेंगे पिछवाड़ा, दिन का मध्य भाग को कहेंगे मध्याह्न, जो खोखला न हो उसको कहते हैं ठोस चीज है ये, है ना। चिड़ियों का घास फूल का बना हुआ घर उसको कहेंगे घोंसला। और इसमें एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो है जिन खोना तिन पाइया गहरे पानी पेट। उत्तर है जिससे अधिक मेहनत की उससे जरूर फल मिलता है। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे गारंटेड फल तो मिलना ही है। तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से है कि बिना मेहनत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर भविष्य बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सही रास्ते की तलाश करनी पड़ती है। हाथ पर हाथ रखकर नदी या समुद्र किनारे बैठ जाओगे और आप बोलोगे मुझे हाथ में अभी शैल आएगा, उस शैल को तोड़ के मैं उसमें से मोती निकालूंगा, तो ऐसे मोती नहीं आते हैं। आपको समुद्र में गिरना पड़ेगा, सांस रोकनी पड़ेगी और उसमें से आपको मोती तब मिलेगा। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो खोजने जाएगा तो उसको कुछ प्राप्त होगा, एंड उसको गहरे पानी में उतरेगा वही तो प्राप्त होने वाला है। तो कितना बढ़िया ये कहावत थी, इसका असल भी बहुत अच्छा था। नाउ एक साइड है हमारे पास अशुद्ध वाक्य और ये है शुद्ध। मैं शुद्ध पढ़ता हूं, वह बुद्धिमती बालिका, बालिका है तो वहां पर बुद्धिमान नहीं आएगा, बुद्धिमान के साथ बालक आना चाहिए, यहाँ पर बालिका के लिए बुद्धिमती इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सड़क पर भारी भीड़ जमा है, सड़क में नहीं होता है, अंदर नहीं होते, सड़क पर ऊपर होता है ना, सड़क के ऊपर होता है। मैं कल गया था, मैं कल गया हूं नहीं, गया था, गया के साथ था आता है। मुझे यह कमी पूरी करनी है, मुझे ये दूरी पूरी करनी है, कमी नहीं होती है। सो कभी कभी गलत जगह पर गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई विश आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर सॉरी पोयम समझ में आया होगा, एंड आपकी दीदी के बारे में मुझे जरूर बताएगा कि अगर आप बड़े हो तो आप क्या क्या ख्याल रखते हो अपने छोटे भाई बहनों का, और आपकी बड़ी दीदी है तो उसके लिए आपके हृदय में कितना मान सम्मान है, क्या माता पिता जितना ही है कि कुछ नफरत का भी है। तो हर एक की लाइफ के अंदर कुछ जिम्मेदारी वाला संबंध रिलेशन होता ही है और उसमें से एक है हमारी दीदी। आशा करता हूँ जो हमारे लेखक उदय प्रकाश जी ने बताया और जो मैंने समझाया अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता, देखो मनुष्य है और मनुष्य होते हुए मैं भी बहुत सारी गलतियां कभी कभी कर लेता हूँ, तो आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।